कृष्ण कहता है, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि इंसान समय का सही उपयोग करके सफल बनता है। और अपने सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं बल्कि पागल बनना पड़ता है। आपको कोई कुछ भी बोले, किंतु आप अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो लेकिन समुंदर को सुखा नहीं सकती। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो उसकी गलती है, आपकी नहीं, बल्कि ये आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। चिंता से मुक्त रहने के लिए सुबह शाम आप अपने आंखें बंद करके बस एक ही बात बोले, भाड़ में गई दुनिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आपके बारे में अच्छा सोचता है और आपकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वह इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। जो इंसान अपनी दर्द नहीं बताता था, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा था। वह इंसान अपना दर्द अंदर ही अंदर छुपाकर ज़िंदगी को जीना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है यहाँ पर कोई किसी का साथ नहीं देता है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप इतने सस्ते हो जाते हो कि आप उन्हें मुफ्त में लगने लगते हो। हद हो गई है, अब तो धोखा अपने लोग देते हैं और दिलासा अनजान लोग देते हैं। चाहे तड़प कर मर जाओ या फिर गम में पागल हो जाओ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, किसी के पैरों में पकड़कर मोहब्बत कभी भी मत मांगना। ये वो दौर है जहाँ पर मासूमियत को बेवकूफ़ी कहा जाता है। और कभी अपने उम्र और पैसों पर घमंड मत करना। जो चीज़ें यकीनन गिनी भी जा सकती है, वह अंत भी हो सकती है उसकी। दूसरों पर हंसने वाले याद रखना, वक्त जब भी वार करता है तो चारों तरफ का शिकार करता है।